कहते हैं कि यदि घर का फाउंडेशन कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी इमारतें एक न एक दिन गिर जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इस घर की स्लैब आप देख सकते हैं कि दिखने में ही लग रहा है कि उच्च गुणवत्ता के कंक्रीट से स्लैब की ढलाई हुई है। इसी तरीके से इसकी दीवार भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की ईंट लगी है और ईंट की जो चिनाई हुई है वो अच्छे क्वालिटी के मोर्टार यानी कि मसाले से की गई है। फिर भी इस दीवार की हालत आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से क्रैक्स आ गए हैं, दीवार बीच से बैठ गई है और इसके साथ साथ कॉलम और वॉल के जॉइंट पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्रैक आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब इस दीवार को जोड़ते समय इस दीवार में उच्च गुणवत्ता के मटेरियल का यूज किया गया, फिर भी इस दीवार में कुछ इस तरीके से जगह जगह पर क्रैकिंग क्यों आ गई? तो चलिए हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस दीवार को बनाते समय ऐसी क्या गलती हुई जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दीवार में जगह जगह क्रैक्स आ गई, दीवार बैठ गई। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो इस दीवार में क्रैक्स आने के यदि हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो आप बगल वाली दीवार देख सकते हैं कि बगल वाली दीवार में आपको एक कॉलम दिख रहा है, कॉलम के साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो आपको एक प्लिंथ बीम दिख रही है और इस प्लिंथ बीम को इसी कॉलम पर इंड कर दिया गया यानी कि इसके आगे नहीं बनाया गया। तो इसी प्लिंथ बीम को यदि आप आगे तक बढ़ा लेते और इसी प्लिंथ बीम के ऊपर यदि आप इस दीवार को बना देते तो दीवार में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आती क्योंकि यहाँ पर दीवार जो है वो नीचे की तरफ थोड़ी सी बैठ गई है। और दीवार बैठने का कारण क्या होता है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। तो पहली गलती यहाँ पर यही हुई कि प्लिंथ बीम को आगे नहीं बढ़ाया गया जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दीवार बैठ गई और दीवार में चारों तरफ क्रैक्स आ गए। और दूसरी गलती की बात करें तो इस दीवार का फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन की जो गहराई है वो बहुत कम रखी गई होगी जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दीवार के लोड के कारण फाउंडेशन के नीचे की जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी बैठ गई और मिट्टी बैठने के साथ साथ ये दीवार भी बैठ गई। तो यदि आप बिना कॉलम और प्लिंथ बीम के दीवार बना रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि दीवार को बनाते समय फाउंडेशन की जो गहराई है वो कभी भी 90 सेंटीमीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी चाहिए और इसके साथ साथ फाउंडेशन के नीचे की जो मिट्टी है वो बैठी होनी चाहिए यानी कि पूरी तरह से कम्पैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिट्टी पर थोड़ा सा लोड आए या फिर आप पैर रखें तो मिट्टी बैठने लगे। फाउंडेशन हमेशा ऐसी मिट्टी पर बनाया जाता है जहां पर मिट्टी पूरी तरह से बैठी होनी चाहिए। तो यहां पर भी ये गलती 100% हुई होगी कि दीवार के नीचे की फाउंडेशन की गहराई कम थी और नीचे की मिट्टी भी अच्छे से कम्पैक्ट नहीं हुई थी और दीवार का लोड आने से नीचे की मिट्टी थोड़ी सी बैठ गई और दीवार में चारों तरफ कुछ इस तरीके से क्रैक्स आ गया। तो यदि आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके घर की जो दीवार है वो प्लिंथ बीम के ऊपर होनी चाहिए। ये प्लिंथ बीम के ऊपर होगी तो दीवार कुछ इस तरीके से कभी भी नहीं बैठेगी। और यदि आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं यानी कि जिसमें कॉलम और प्लिंथ बीम नहीं होते, यदि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फाउंडेशन की जो गहराई है वो 90 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना है और इसके साथ साथ फाउंडेशन एक ऐसी मिट्टी पर होना चाहिए जो कि बैठे ना, जो कि सेटलमेंट ना हो, जिसमें किसी भी तरह का बैठाव ना है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दीवार के बैठने का मेन रीज़न क्या है। और इसके साथ साथ हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से क्रैक्स आ गया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर विंडो पर क्रैक क्यों आया। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।